आज दशलक्षण महापर्व का पांचवा दिन है। हमने पिछले दिनों में दशलक्षण महापर्व के संबंध में विस्तार से विचार किया। दश धर्म क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है इत्यादि, और उसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कि जो तत्वज्ञान के पहले और तत्वज्ञान के साथ होने वाली जो विशुद्धि है, जो शुभोपयोग है, उस शुभोपयोग के स्वरूप पर इस पर भी विश्लेषण पूर्वक कैसी कैसी हमारे परिणामों की दुर्दशा है और परिणामों की उस दुर्दशा में हम जो तत्वज्ञान से होने वाला परम आनंद है उसको चाहते हैं तो वो कभी होने वाला नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे जीवन से वह विशुद्धि गायब हो चुकी है, तो जहां विशुद्धि के होने पर ही हमारा ज्ञान उस विशुद्धि को साथ लेकर नहीं लेकिन विशुद्धि से अलग रहकर, विशुद्धि के होने पर विशुद्धि से भी अलग रहकर हमारा जो शुद्ध ज्ञान है वह हमारे शुद्ध चैतन्य का चिंतन करता हुआ उस चैतन्य की अनुभूति कर सकता है। यह जिनवाणी का निश्चय और व्यवहार है। जो विशुद्धि है उसको हम व्यवहार कहते हैं और वह व्यवहार नय का विषय है। उससे होने वाली जो आत्मानुभूति है वो निश्चय है और वो भी व्यवहार। सचमुच तो जो शुद्धात्मा है, शुद्ध चैतन्य अनादि अनंत, वह निश्चय है, निश्चय नय का विषय है। ये सारी बातें बहुत महत्व की हैं कि जिनको सुनकर यदि हमने जीवन में आत्मसात नहीं किया तो हम दशलक्षण महापर्व में कोरे रह जाते हैं, कुछ उपलब्धि नहीं होती। इतनी मेहनत भी करते हैं, यहाँ घंटों बैठते भी हैं, उधर पूजाएं करते हैं, सब करते हैं, उन सब में श्रम होता है, तो हमारा श्रम, हमारा पुरुषार्थ, उसकी सार्थकता कैसे हो, इस विषय पर हमने विचार किया है। अब आज तत्व चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की चर्चा का ये पहला प्रश्न है, पर्युषण का अर्थ क्या। पर्युषण कहने में दोष क्या है, ये समझाएं। वैसे तो पर्युषण के अर्थ से हमें कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि
उसका हमारे यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि वो कल्पित है। असली जो पर्व है, ये जो भाद्रपद में आते हैं 10 दिन के लिए, जिनको हम 10 लक्षण कहते हैं, यही असली अनादि अनंत पर्व हैं। ये आज के नहीं, कल के नहीं, कभी शुरू हुए नहीं, कभी इनका अंत होगा नहीं। ये अनादि अनंत पर्व हैं, अनादि अनंत हमारे आध्यात्मिक त्यौहार हैं। ये आध्यात्मिक त्यौहार कभी पैदा नहीं हुए और समाप्त होने वाले नहीं हैं, इसलिए यही हमारे पर्व हैं। किसी ने नाम बदलकर, हमारा नाम तो कुछ हो, और नाम बदलकर अगर कुछ रख दिया जाए तो क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? उसी तरह से यहाँ तो सब, जब अलग कोई बात खड़ी की गई है, अलग कोई संप्रदाय खड़ा किया गया है, तो उसमें जो सच्चाई है, सच्चा संप्रदाय है, सच्चा वर्ग है, जो उससे हटकर हमें दूसरी बातें जोड़नी पड़ेंगी ना, तब ना वो हमारा एक स्वतंत्र कहलाएगा। इस तरह हमारे पर्व का नाम, वास्तविक पर्व का नाम 10 लक्षण है, तो वहां पर्युषण नाम रखा गया। पर्युषण का अर्थ होता है शोधन करना, ये उसका अर्थ होता है। यहाँ तो 10 लक्षण में तो ये तो चारित्र के अवयव है, वहां तो केवल शुरुआत की बात, शोधन करने की बात। इस तो नाम तो अच्छा रखना ही पड़ेगा ना, इसलिए वो उसका अर्थ होता है। और हमने अपने 10 लक्षण का नाम अगर पर्युषण रख लिया तो 8 दिन के हो गए कृत्रिम नकली, कि नकली हो गए। वो कहाँ रहे असली? इसलिए जो वास्तविक नाम है उसी नाम से पुकारना चाहिए। वो कल्पित है वो, क्योंकि वो तो सारे नए हैं ना। जितने भी दिगंबर जैन धर्म के अतिरिक्त, ये पक्की बात, ठोस बात है, ये इसमें कभी संदेह करने की रंच मात्र गुंजाइश नहीं है। जो दिगंबर जैन धर्म है वही सारे विश्व में परम सत्य धर्म है, क्योंकि उसके जो प्रणेता हैं, उसके जो कहने वाले हैं, वो सर्वज्ञ और वीतराग हैं। और सर्वज्ञता और वीतरागता की सिद्धि ये जैन दर्शन करता है। जितने भी तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत परमात्मा हुए, वे सब सर्वज्ञ और वीतराग हुए हैं। और उनकी जो वाणी हुई, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, उस दिव्य ध्वनि में जो कुछ आया वही तो परम सत्य हो सकता है। वो दिव्य ध्वनि में क्या कहेंगे कि जैसी जगत की व्यवस्था है, षट द्रव्यात्मक, 6 द्रव्य रूप लोक की जो स्वतंत्र व्यवस्था है, उस स्वतंत्र व्यवस्था का प्रतिपादन ही उस दिव्य ध्वनि में होता है, तो वही तो परम सत्य हो सकता है। जो पानी है, पानी अथवा एक मौसमी है, उस मौसमी को हम मौसमी न कहकर नींबू कहते हैं, अथवा नींबू है तो उसको मौसमी कहते हैं, तो इन दोनों में से दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती है ना, एक ही बात सत्य हो सकती है ना। तो जिसने उसको मौसमी जानकर मौसमी कहा है, उसकी बात सत्य है, वो सच्चा है, प्रामाणिक है, विश्वास करने लायक है। और जिसने उसके विरुद्ध बोला है वो झूठा है। कितना झूठा है? कहते हैं सारा ही, पूरा ही झूठा है। उसी तरह दिगंबर जैन धर्म में भगवान सर्वज्ञ की वाणी में 6 द्रव्यों की व्यवस्था के आधार पर उनकी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, उनके द्रव्य गुण पर्याय का जो वर्णन आया, वो चूंकि भगवान ने केवल ज्ञान की आंख से देखकर
वह बात कही है, इसलिए वही परम सत्य है। उससे थोड़ा भी हटकर अगर कोई जाता है तो झूठा है, वो झूठा है। वो इसमें पक्षपात की बात नहीं है, नहीं है पक्षपात की बात। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास करोड़ रुपया है, तो है करोड़ रुपया, ठीक सत्य है, क्योंकि करोड़ रुपया रखा है उसके पास और उसके आधार पर वो बोलता है। उसी तरह है भगवान की वाणी में जो आता है, जो आया है, और भगवान की सिद्धि हम करते हैं तर्क से, युक्ति से, क्योंकि ज्ञान अल्प है अभी हमारे पास और उसमें हीना दिखता देखी जाती है। एक चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा जैसे दूज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा, चतुर्थी का चंद्रमा, इसमें विकास होता जाता है ना? उसी तरह हम अपने भीतर भी ज्ञान की हीनाधिकता देखते हैं ना, तो ज्ञान हीनाधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान बढ़कर एक दिन पूर्णिमा का चंद्र भी हो सकता है, और जो ज्ञान पूर्ण होगा उसके जानने से कौन सी चीज बाकी रह जाएगी। जो पूर्ण ज्ञान है जिस पर कोई आवरण नहीं है, चतुर्दशी जितना भी आवरण नहीं है, जो पूर्ण चंद्र हो गया है, तो उसमें अब कौन सी बात जानने से बाकी रही जगत की। इसलिए सारे जगत को, उनके द्रव्यगुण पर्याय को, उनके वर्तमान भूत भविष्य को, सबको जिस ज्ञान ने हाथ में रखे हुए आंवले की तरह जाना, वो ज्ञान परम सत्य, और उस ज्ञान वाले जो सर्वज्ञ वितराग परमात्मा है वो परम सत्य, और ज्ञान वही होगा जो वितराग होगा। क्योंकि अगर ज्ञान तो पूरा है और राग बाकी है, वितराग नहीं हुआ है, तो वो तो जैसे खुदा गंजे को नाखून ना दे, अगर नाखून दे दिए तो वो मर जाएगा। उसी तरह ज्ञान तो है पूरा, उसमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन राग विद्यमान है इसलिए उसे एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिलेगा राग के कारण से। इसलिए सर्वज्ञता और वीतरागता के द्वारा प्रणीत जितनी जितना कुछ प्रतिपादन है वही परम सत्य है। इस बात में पक्ष नहीं है, मेरे पास 100 रुपया है, इस बात में क्या झूठ है, और इसमें अभिमान का क्या प्रश्न। अभिमान है ही नहीं मेरे को, मैं अभिमान से बात करता ही नहीं हूं। मेरी जेब में 100 रुपया है, इसमें क्या झगड़ा है। उसी तरह कहते हैं दिगंबर धर्म ही सच्चा है। भाई सच्चा इसलिए है ना कि वो मौसमी को मौसमी कहता है, नींबू को नींबू कहता है, इसमें कहां अभिमान और कहां झगड़े की बात है। इसी तरह जगत ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान जिसे हम कहते हैं, सर्वज्ञता जिसे कहते हैं, वो जब उत्पन्न हो जाती है तो उसमें सारा लोकालोक दिखाई देता है, सारे लोकालोक का कोई भी कुछ भी जानने से बाकी नहीं रहता। भूत भविष्य वर्तमान अनादि का भी जो कुछ बीता है वो सब जानने में, अपने जानने में आता है नहीं कि 8 दिन पहले ये घटना घटी थी, ये हमने भूतकाल को जाना कि नहीं जाना, नहीं जाना। 8 दिन पहले ये घटना घटी थी, ये बात हमारे ज्ञान में है या नहीं। तो हमारा ज्ञान तो छोटा है, तो छोटा ज्ञान अगर इतना जान सकता है तो जो ज्ञान पूर्ण है वो सारे भूत को क्यों नहीं जानेगा। इसी तरह भविष्य, भविष्य हम जानते हैं नहीं कि 8 दिन के बाद में एक ये रविवार और आने वाला है, नहीं जानते, आएगा ना, एक सप्ताह में ये आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो ये बात हमने भविष्य की जानी कि नहीं जानी। तो ज्ञान तो हमारा कम है ना अभी, पर कम ज्ञान में भी हमने भविष्य की बात जानी, तो पूर्ण ज्ञान पूरे भविष्य को क्यों नहीं जानेगा। और भविष्य होता है अनंत, इसलिए वो ज्ञान भी अनंत को जानता है। इस तरह अनादि अनंत को जानने वाला सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञान होता है, वही सत्य हो सकता है जिसमें राग नहीं है। राग में पक्ष होता है, पक्ष में असत्य बोला जाता है,
इसलिए राग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहले वीतरागता होती है और फिर सर्वज्ञता होती है। बारहवें गुण स्थान में वीतरागता होती है और तेरहवें गुण स्थान में सर्वज्ञता होती है। कितना बढ़िया क्रम है। अगर पहले केवल ज्ञान हो जाए और राग बाकी रह जाए तो कितना दुखी होगा वो जीव। तो कितना सुंदर क्रम है वैज्ञानिक कि वैज्ञानिक क्रम, पहले राग जाता है और इसके बाद ज्ञान की जो अल्पज्ञता है वो समाप्त होकर ज्ञान पूर्ण हो जाता है। इसलिए हमें पर्यूषण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो नई चली हुई चीज है। सत्य कभी नया नहीं होता, सत्य तो अनादि होता है, पुरातन होता है। सूर्य का उदय पूर्व में होता है, वही होता है और वही होता रहेगा अनादि से। एक ही बात सत्य है कि इतना अभिमान करते हो कि वो पहले भी पूर्व में ही उदित हुआ है और आगे भी पूर्व में ही उदित होगा। इतना अभिमान करते हो, अभिमान नहीं करते, परम सत्य कहते हो, एकदम सत्य कहते। अभिमान की बात इसमें नहीं है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था के आधार पर हम बोलते हैं। हम यदि वस्तु व्यवस्था से विपरीत बोले तो अभिमान होगा। अभिमान कब होता है? क्या धनादि को हम अपना मान लेते हैं कि जो हमारे नहीं है, उनको जब हम अपना मान लेते हैं तो अभिमान होता है। और जब धनादि को अपना मानते ही नहीं तो अभिमान कहां से होगा? तब हम ये तो कहेंगे कि इतना धन है किसी के पास, अथवा इतना धन है मेरे पास, लेकिन मेरा नहीं, वास्तव में मेरा उसे संबंध नहीं, तो अभिमान कहां हुआ? है इतना मेरे पास, ये सत्य है। इसलिए दिगंबर जैन दर्शन जो सर्वज्ञ प्रणीत सर्वज्ञ परमात्मा का कहा हुआ, बनाया हुआ नहीं, हम बनाया हुआ मानते हैं। हमें ये भी प्रश्न होता होगा कि दिगंबर धर्म का जन्म कब हुआ, तो इसका अर्थ यही हुआ कि सूरज पूरब में कब से उदित होने लगा, यही हुआ ना? तो सत्य भी नया होता है क्या? मिश्री कब से मीठी हुई? अनादि मीठी है और अनंत मीठी है। इस तरह जिसे दिगंबर धर्म, वैसे सारी सृष्टि दिगंबर है। ये धर्म का नाम दिगंबर कहा गया है और इसे एक संप्रदाय मान लिया गया, लेकिन ये संप्रदाय नहीं है, ये तो परम सत्य है। संप्रदाय में तो पक्ष की बुद्धि होती है, संप्रदाय में ये संप्रदाय नहीं, ये सत्य है। इसमें सत्य ही सत्य है, सर्वत्र सब जगह सत्य ही सत्य है। इसलिए ये संप्रदाय नहीं है, ये कोई बाड़ा नहीं है, ये कोई जाति नहीं है, लेकिन वास्तव में यह तो वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाली वाणी और ज्ञान है। इसलिए ये परम सत्य है। तुम अपनी बात को सत्य कहते हो, दो और दो चार कहते हो कि हाँ मैं ठीक कहता हूं, दो और दो, इतना अभिमान कि दो और दो चार होते हैं, फिर बोलना जरा कि हाँ दो और दो चार होते हैं, कि इतना अभिमान कि अपनी बात पर अड़े हो। मैं कहता हूं दो और दो पांच होते हैं, इसमें क्या ऐतराज भाई? होते ही नहीं है ना, लेकिन तुम करके बताओ, होते ही नहीं है। तो दो और दो चार होते हैं, इसमें अभिमान की गुंजाइश कहां है? इसी तरह जगत में जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल छह द्रव्य हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनकी अनेक अनेक और भी उनके गुण और अविभाग प्रतिच्छेद हैं। इनको केवल ज्ञान पूरा का पूरा जानता है। केवल ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता, वो पूरा का पूरा जानता है। इसलिए परम सत्यता, परम सत्यता, परम सत्यता, कहीं दूसरी जगह तलाश करने मत जाना। कोई कितना ही बोलता हो, कोई कितना ही कहता हो, कितना ही मीठा बोलता हो, कुतर्कों से बात को सिद्ध कर देता हो, तो भी इसको छोड़कर मत जाना।
ऐसा आगम में लिखा है कि आगम में ऐसा लिखा है कि दुर्जनों के द्वारा, मिथ्यावादियों के द्वारा अगर इस दर्शन की, इस धर्म की निंदा भी हो तो इसे छोड़ मत देना, वरना तुम्हारा मोक्ष चला जाएगा, मोक्ष मार्ग चला जाएगा, सुख से वंचित रह जाओगे सदा के लिए। इसलिए भले ही निंदा हो, निंदा प्रशंसा तो चलती रहेगी अज्ञान लोक में, तो ये होते हुए भी उस निंदा को देखकर इस धर्म का परित्याग मत कर देना और अधिक चिंतन में उतरना और इसकी सत्यता पर विश्वास करके गौरव करना। इस तरह पहले इस पर श्रद्धा हो ना, असल में तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहा हुआ ये प्रतिपादन, ये धर्म, इस पर श्रद्धा हो, अर्थात आत्मा पर श्रद्धा हो, चैतन्य पर श्रद्धा हो, तब वास्तव में हमें इसकी सत्यता प्रमाणित होगी। जहां पर आत्मा का स्वरूप ही सत्य नहीं कहा गया, जो बात नई चली है, नई नई सत्य भी नया होता है, बताओ कोई चीज ऐसी कि जो नई होती हो, अरे उसकी पर्याय बदलती होंगी लेकिन वस्तु तो अनादि है ना, बदलती होंगी पर्याय, लेकिन नया बताओ, कोई नया, कोई नया पदार्थ बताओ कि जगत में जितने अनंत पदार्थ हैं उनमें एक भी नया नहीं है, सब अनादि हैं, सारे के सारे, पर्याय बदलती रहती हैं, आती जाती रहती, कोई नया नहीं है, इसलिए सब अनादि अनंत हैं, हमारे यहाँ नया कुछ नहीं है, नया होता ही नहीं, इसलिए वाणी अनादि काल से इस षट द्रव्यात्मक छह द्रव्य रूप व्यवस्था पर ही बोलती आई है और अनंत काल तक ये सर्वज्ञ परमात्मा होते रहेंगे। सबसे पहले सर्वज्ञ कौन से हुए, ऐसा होता नहीं है, सर्वज्ञ भी तब बनते हैं जब पहले अल्पज्ञ होते हैं, जब पहले मनुष्य, त्रियंत, देव और नार की किसी गति में होते हैं और वहां उन्हें सद्गुरु की देशना शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का प्रतिपादन करती हुई मिलती है। ये देशना हर एक को सर्वज्ञ कैसे बना जाता है कि सबसे पहले किसी भी गति में जब इस लायक हो, सैनी पंचेंदी हो, तो सच्चे गुरु की देशना, सच्चे गुरु का उपदेश शुद्ध चैतन्य तत्व पर मिलता है, जिसको वो भूला हुआ है अनादिकाल से, तब उसे उसका बोध होता है और तब वो शुद्ध चैतन्य की आराधना करता हुआ मोक्ष मार्ग पर लगता हुआ अपने रत्नत्रय धर्म को बढ़ाता हुआ स्वयं सर्वज्ञ परमात्मा बनता है। तो सबसे पहले सर्वज्ञ कौन होंगे, बनते तो ऐसे सर्वज्ञ, बना तो ऐसे जाता, सबसे पहले कौन से हुए, तो सबसे पहले कोई सर्वज्ञ हो गए तो उनको देशना देने वाला तो बताओ, वैसे बिना बिना देशना के, बिना उपदेश के तो होते ही नहीं। और फिर वो जो देशना देने वाला है वो सर्वज्ञ बने तो वो उनको पहला सर्वज्ञ मान ले, कहते उनको देशना देने वाले बताओ कौन हुआ सबसे पहले, बीज हुआ या वृक्ष हुआ, कौन सबसे पहले हुआ, कौन हुआ सबसे पहला प्रोफेसर बताओ, सबसे पहला दुनिया का प्रोफेसर, कहते हैं प्रोफेसर पहले शिष्य होता है, उसका कोई प्रोफेसर होता है और उस प्रोफेसर का भी कोई प्रोफेसर होता है और वो शिष्य होता है, तो कौन होता है, इसलिए है ही नहीं प्रथम है ही नहीं कोई, प्रथम सर्वज्ञ परमात्मा अनंत कोई हुए हों ऐसे नहीं, अनादि हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। अनादि काल से जीव 608 जीव निगोद से निकलकर मोक्ष जाते रहे हैं 6 महीने में और अनंत काल तक यही संख्या, यही नियम अनंत काल तक चलता रहेगा। ये बात भी तो सर्वज्ञ ही कह सकता है, कौन कहेगा ये बात,
ऐरा गहरा गली कुचे का कोई व्यक्ति कहेगा ये बात? आलू में अनंत जीव होते हैं ये कहेगा कौन? जो जानता ही नहीं, जिसको दिखता ही नहीं, वो कैसे बोलेगा? वो कैसे बोल सकता है? इसलिए सर्वज्ञ का विश्वास, जिसने ऐसा निर्णय किया कि मैं भी परमात्मा ही हूं, अब उसको क्या करना रहा? कि करने की तो बात है ही नहीं है कुछ, कि जो वास्तव में जिसने ये माना कि मैं तो वर्तमान में ही परमात्मा, परम आत्मद्रव्य, परम तत्व, परम चैतन्य, परम ज्ञायक, सर्व कर्मों से रहित, अनादि अनंत, अविनश्वर, निरावरण, निरावलंबी, ज्ञान दर्शनमय, अनंत शक्ति वाला तत्व हूं, ऐसा जिसने माना, उस सत्य माना झूठ माना? सही माना ना? आत्मा ऐसा है या नहीं? आत्मा बनाया है किसी ने? बनाया हो तो कैसा भी बना देता, लेकिन आत्मा नाम की जो सत्ता है, सत्ता कभी विकारी नहीं होती, उसमें मिलावट होगी? सबसे पहले जीव बना क्या? जीव बना का जीव बना पहले कौन बना? और दोनों मिलकर बने तो क्या हुआ? वो जीव हुआ का जीव हुआ। इसलिए सब अनादि के हैं, सारे के सारे। इसी तरह ये जीव तत्व अनादि का है। ये तो इसमें ये जो पर्याय होती है अज्ञान की, ज्ञान अज्ञान रूप हो सकता है ना? जैसे हम में समझ है, एक व्यक्ति भला चंगा है, अच्छा है, लेकिन वो पागल हो गया, हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना? पर आदमी तो उतना का उतना, उसके पास जो दिमाग है, ब्रेन है, वो तो उतना का उतना, वो तो रहना चाहिए ना? वो उसकी शक्तियां हैं जो आज भी ज्यों की त्यों है। उनमें जो विकार हुआ है वो विकार चला जाता है और वो ज्यों की त्यों रह जाती हैं। इसी तरह ये चैतन्य परमात्मा, ये अनादि अनंत है, ये हमने माना तो चैतन्य परमात्मा ये तो पूर्ण है, इसमें कोई कमी है? आत्मा पूरा है अधूरा? क्या करना रहा? तो जो पूरा है उसमें हम क्या करेंगे, और जो अधूरा है उसमें हम क्या करेंगे? अगर जगत अधूरा ही होता तो उसमें हम क्या जोड़ते कि वो पूरा हो जाता? और आत्मा अगर अधूरा होता तो फिर आधा क्या होता? आधा जीव होता और आधा क्या होता? हो सकती है ये कल्पना में भी ये बात नहीं आती है। इसलिए जीव वास्तव में वर्तमान में ही परमात्म द्रव्य है, शुद्ध ज्ञायक तत्व है, शुद्ध चैतन्य तत्व है, अनादि अनंत और अविनश्वर है। ऐसा जब वो जीव जानता है तो मैं तो ऐसा हूं, अब इसमें क्या करूं, मैं क्या लाऊं? अनंत शक्तियां इसमें भरी हैं, क्या लाकर रखूं और इसमें से मैं क्या हटाऊं, क्या घटाऊं? इसलिए मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसे पूर्ण घट का, पूर्ण अमृत कलश का अनुभव करता हुआ वो जीव, वो ज्ञानी, वो सम्यक दृष्टि निरंतर अमृत पीता है। करने की बात को तो यहां पहले उड़ाते हैं, क्योंकि करना आत्मा में है ही नहीं। उसमें क्या किया जाए? किया जाए मैंने रखा जाए और ये अथवा निकाला जाए। तो पूर्ण में से पूरा जो घड़ा है ना, पूर्ण कलश है ना, पूर्ण कलश जिसमें एक बूंद की भी गुंजाइश नहीं है, तो हम उसमें कितना पानी डालेंगे पूर्ण हो जाए, और हम उसमें से कितना निकालें कि वो पूर्ण रह जाए? ये तो दोनों ही मूर्खता है ना। तो पूर्ण कलश है। इस तरह आत्मा में से एक अविभाग प्रतिच्छेद निकालने की गुंजाइश नहीं और रखने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए करने की बात बिल्कुल निकम्मी है। इसलिए करने को तो यहां पहले उड़ाया जाता है, वो तो कर्तापन है, अज्ञान है। वो तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करने की बात आती तो है, लेकिन ये सारी बात कहने की व्यवहार है। अभी तो मुझे राग का क्षय करना है, फिर मुझे वीतराग बनना है,
फिर मुझे सर्वज्ञ परमात्मा बनना है, फिर मुझे मोक्ष जाना है। कहते हैं ये सारी बातें व्यवहार और कहने की हैं। आत्मा न तो कभी मैला हुआ, न तो कभी विकारी हुआ, और न उसे कभी पवित्र होकर मोक्ष जाना है। वो तो वर्तमान में मुक्त है। जैसे समय सार का देख लेना 198वां कलश है, लेकिन वो राग द्वेष से अपने आप को कतई भिन्न मानता है। तो राग द्वेष भिन्न है ही, भिन्न माना उसने ऐसा नहीं, ऐसा झूठ नहीं माना। वो भिन्न है ही आत्मा से, क्योंकि आत्मा में राग द्वेष का नाम निशान नहीं है। इसलिए आत्मा से भिन्न होने के कारण वो सदैव अपने को राग द्वेष से भिन्न मानता हुआ शुद्ध चैतन्य मानता है। और शुद्ध चैतन्य मानता है, यही तो ज्ञान महता है। ज्ञान से जाना न कि शुद्ध चैतन्य हूं, इसलिए उसके सारे भाव उस शुद्ध चैतन्य से उठते हैं, वहां से उठते हैं उसके सारे भाव, ज्ञानमय होते हैं। भले ही वो लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखाई दे, वे तो राग द्वेष के परिणाम है, उनको उसने अलग ही जान लिया है। वो उस समय भी अपने आप को शुद्ध चैतन्य मानता है, और शुद्ध चैतन्य की ज्ञानमय धारा उस समय भी बह रही है, टूटी नहीं है कि टूटी नहीं है। इतना बड़ा खारा समुद्र होता है ना, खारा पानी होता है ना, उसमें मीठे पानी की धारा बहती है कि नहीं? और वहां लोग जहाज वाले लोग पानी भरते हैं या नहीं भरते उस मीठे? तो इतने बड़े खारे समुद्र में मीठे पानी की स्वतंत्र धारा वो क्षार जल के साथ नहीं मिलती है, और वो पीने लायक होती, पीते हैं उसे। इसी तरह इस शुद्ध चैतन्य तत्व जो राग द्वेष मोह से पीड़ित रहा, अब मोह राग द्वेष इसने अपने से अलग मान लिए, क्योंकि अलग थे, ये तो शुद्ध चैतन्य था, तो इसने उनको अलग माना, तो अलग ही थे असल में, तो अलग माना ये परम सत्य हुआ, ये सम्यक ज्ञान हुआ। तो अलग मान लिया, अब इसको राग द्वेष होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको नहीं होते, क्योंकि इसने तो अलग थे और अलग माना ना। शरीर अलग था और अलग माना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है या नहीं? इसी तरह राग द्वेष मोह शुद्ध चैतन्य के स्वरूप से न्यारे थे, इसने भी न्यारा जाना और शुद्ध चैतन्य को अलग जाना, तो ये सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सम्यक ज्ञान भरत बाहुबली को था या नहीं था? उस समय मीठे पानी की ये धारा चलती थी कि नहीं चलती थी? कैसे होता होगा, क्या होता होगा, ये तो पक्षपात है, ये तो ज्ञानियों ने पक्षपात किया है उनको अपने में मिलाने के लिए, अपनी जाति बढ़ाने के लिए। पक्षपात नहीं है, परम सत्य है। ज्ञानी को राग होता ही नहीं। जो राग को अपना मानता है, जो आत्मा को रागी मानता है, उसे राग होता है। जिसने राग को अपना माना और आत्मा को पूर्णतया रागी द्वेषी माना, उसको राग हुआ, वो रागी है। रागी हुआ नहीं फिर भी, पर मान्यता में रागी है, मान्य में रागी, कल्पना में रागी है, हुआ नहीं है वास्तव। तो उसने तो अलग मान लिया अपने को सदा के लिए, उसने तो राग द्वेष मोह से अपना व्यवहार ही तोड़ दिया, सारा व्यवहार ही खत्म कर दिया। अब तो अलग थलग एकमात्र चैतन्य परमात्मा हूं, और उसी की निरंतर धारा उसको चलती है। ज्ञानी प्रति समय शुद्धात्मा का अनुभव किया करते हैं, ऐसा आया है। प्रति समय मुनिराज लिखते हैं नहीं, हम तो निरंतर अपने हृदय कमल में स्थित उस शुद्धात्मा का निरंतर अनुभव करते हैं। अरे भगवान, आप तो छठे गुण स्थान में आते हो न? फिर निरंतर कहाँ हुआ? कि तुम अभी थोड़े दूर हो, तुम अभी ऊपर आए नहीं, अभी तुम चोटी तक पहुंचे नहीं, अध्यात्म की चोटी तक। अध्यात्म की चोटी तक पहुंचने पर तुमको ये सत्य भाषित हो जाएगा, निरंतर अनुभव। जिसने उसको सर्वश्रेष्ठ माना और स्व माना, स्व सत्ता मानी, तो उसको निरंतर उसकी अनुभूति है कि नहीं? हम महाजन हैं, ये अनुभूति हमको कब नहीं है?
और हम बोलते कब हैं कि बोलते कब हैं। और सभी कुछ होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, खाते पीते भी हैं, व्यवसाय भी करते हैं, सब करते हैं। महाजन हूं ये धारा कब निकल जाती है? और बोलते कितने हैं अपन, कहीं भूल नहीं जाए, जो रोजाना 150 बार बोले तो सही, तो बोलते हैं नहीं बोलते, तो भूल जाते होंगे कि भूलते भी नहीं। तो कहां पड़ी है वो, कि वो धारा भीतर निरंतर बहती है, अविराम अविरल निरंतर बहती है। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व है। इसलिए करना कुछ नहीं रहा, करने की बात नहीं करना। काम तो निष्कामता बस एक ही है। काम क्या है हमारा, कि कुछ नहीं करना, निष्कामता, ये एक ही है।